उत्तर प्रदेश के मथुरा से बड़ी खबर। बृहस्पतिवार को सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे। सीएम अपने कार्यकाल में अब तक 39वीं बार सीएम मथुरा पहुंचे। यहां उन्होंने भाजपा प्रत्याशी हेमा मालिनी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। सीएम ने विपक्ष को निशाने पर रखकर सरकार की योजनाएं और उपलब्धियां गिनाई। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि मथुरा वृंदावन की भूमि कल की भूमि है। भगवान कृष्ण के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने 16 कलाओं के साथ अपना अवतार लिया था। कल का सम्मान करने के लिए इससे अच्छी भूमि और कोई नहीं हो सकती है। इसीलिए भारत की सिनेमा जगत की प्रतिष्ठित अभिनेत्री हेमा मालिनी को भाजपा ने यहां से तीसरी बार चुनावी मैदान में उतारा है। कांग्रेस को भगवान भी बचाएंगे, इसको लेकर संदेह कहा कि हेमा मालिनी ने भारत की नृत्य संस्कृति सिने संस्कृति को पूरे जगत में पहचान दिलाई है। कांग्रेसियों को यह बात बुरी लगती है, उनको भगवान भी बचा पाएगा या नहीं उसको लेकर संदेह होता है। दूसरे चरण की नामांकन प्रक्रिया आज पूरी होने जा रही है। चुनाव युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहा है। विकास और संस्कृति की चर्चा पूर्व के कार्यक्रम में की। कहा कि चारों ओर एक ही आवाज आ रही है, हर मन में एक ही बात है कि इस बार फिर से मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है। पहली बार भारत में भारतवासियों ने देखा है कि उनकी समृद्धि राष्ट्रीय स्वाभिमान के लिए सरकार काम कर रही है। को राधे रानी की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज से मथुरा प्रतिष्ठित लोकसभा सीट का नामांकन की प्रक्रिया जैसे ही पूरी होगी तो फिर जनता जनार्दन की अदालत में लोकतंत्र के इस पूरे पवित्र पर्व में हर राजनीतिक दल का प्रत्याशी अपना भाग्य आजमाने के लिए यहां पर आएगा। और सबसे विचित्र बात तो यह है कि तीसरी बार जब हेमा मालिनी जी यहां पे प्रत्याशी बनी है तो किसी भी अन्य दल के पास प्रत्याशी ढूंढी हुई नहीं मिल रहा है। उधार में प्रत्याशी ला रहे हैं और उन लोगों को उधार में भी प्रत्याशी नहीं मिल पा रहे हैं तो कांग्रेस के नेता अपना आपा खो चुके हैं। अब भारत की मातृशक्ति के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करके आधी आबादी का अपमान करने पर उतारू हो चुके हैं, लेकिन इन कांग्रेसियों को और इंडी गठबंधन के लोगों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए, ये राधे रानी की भूमि है, यमुना मैया की कृपा इस भूमि पर है। अगर आधी आबादी का अपमान करोगे तो आधी आबादी ही नहीं बल्कि पूरा भारतवर्ष उन्हें ऐसा सबक सिखाएगा कि आगे से वे राजनीति करने लायक नहीं बच पाएंगे। बहनों भाइयों, लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि व्यक्ति को टिप्पणी करके हम अनावश्यक रूप से मातृशक्ति का अपमान करें। यह हमारा समाज कभी स्वीकार नहीं कर सकता, कभी स्वीकार नहीं कर सकता। विचारों से सहमति असहमति हो सकती है, हमें व्यक्तिगत रूप से कोई व्यक्ति पसंद हो ना हो, लेकिन हम
कला को, संस्कृति को, राष्ट्रीयता को या किसी जाति को टारगेट नहीं कर सकते। और अगर कोई करने का प्रयास कर रहा है तो अपने लिए खड्डा स्वयं खोद रहा है। ये तो हमारी मथुरा वृंदावन की भूमि तो कला की भूमि है। भगवान कृष्ण के बारे में कहा जाता है, हमारे कृष्ण कन्हैया के बारे में कहा जाता है, जिन्होंने 16 कलाओं के साथ ही अपना अवतार लिया था। जब 16 कलाओं के साथ, संपूर्ण कलाओं के साथ अवतार लिया था, तो कला का सम्मान करने का इससे अच्छी भूमि दूसरी कौन हो सकती है। और इसीलिए भारत की, सिने जगत की सबसे सुविख्यात अदाकार के रूप में, जिन्होंने अपनी कला और अपनी प्रतिभा के माध्यम से भारत की परंपरा को, भारत की संस्कृति को, भारत के सिने जगत को, भारत की परंपरागत परंपरा संस्कृति की कला को वैश्विक मंच पर स्थापित करने में अपना पूरा जीवन लगा दिया हो, और जिसके मंचन को देखने के लिए आज भी लाखों लाख लोग जुड़ते हैं, चाहे वे गंगा की प्रस्तुति हो, चाहे वह मीराबाई की प्रस्तुति हो, चाहे वह मां दुर्गा की प्रस्तुति हो, उस कला का सम्मान कौन भारतीय नहीं करेगा, कौन भारतीय नहीं करेगा। और यह भी अगर कांग्रेसियों को बुरा लगता है तब तो उनको भगवान भी अब बचा पाएगा कि नहीं बचा पाएगा, ये मुझे स्वयं उनके संदेह होता है। बहनों और भाइयों, ये लोकसभा का चुनाव चल रहा है, पहले चरण के नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आज दूसरे चरण के नामांकन की प्रक्रिया भी पूरी होने जा रही है। अब पहले और दूसरे चरण में चुनाव प्रचार कार्य युद्ध स्तर पर आगे बढ़ेगा। मैं भी कुछ दिन पहले यहां आया था, मैंने विकास की चर्चा भी की, संस्कृति की चर्चा भी की, देश के अंदर क्या माहौल है इसकी चर्चा भी की। मैं कल आगरा में था, सायंकाल वाराणसी गया और आज फिर मथुरा में फिर आपके बीच में यहां पर आया हूं। उत्तर में चाहे वह सहारनपुर बिजनौर हो या वाराणसी बलिया, चारों ओर जाकर के हम ही लोग बता सकते हैं ना कि वास्तव में माहौल कैसा है और जनता जनार्दन क्या चाहती है। राधे राधे। और आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज के दिन मेरे लिए बहुत ही महत्व है, नामांकन के दिन आप आए हैं इस जनसभा में शामिल होने के लिए। प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव जी, लक्ष्मी नारायण चौधरी जी कैबिनेट मिनिस्टर, राज्यसभा के सांसद तेजवीर जी और मेरे सभी साथी गण इस मंच पर उपस्थित हैं, मेरे विधायक गण, फिर आप भाजपा एवं एनडीए गठबंधन के पदाधिकारी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे वरिष्ठ नेताओं, सब लोग उपस्थित हैं यहाँ पर। मैं सबका नाम ले, मुझे बहुत बहुत टाइम लगेगा, मैं उन सबको बहुत आदर करती हूँ। And then I'm so happy आप लोग यहाँ पर उपस्थित हैं मेरे लिए। और देव तुल्य कार्यकर्ता हो आप लोग, दिन भर बहुत मेहनत करते हैं आप सब, और यहाँ के संत जनों, ये पूरा मथुरा वृंदावन ये साधु संतों का देश है, और यहाँ पर उपस्थित मेरे प्यारे ब्रजवासियों आप सबको प्रणाम। आज का दिन मेरे लिए बहुत ही खास है, मुझे तीसरी बार नामांकन करने का अवसर राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण ने प्रदान किया है। इस अवसर को मैं बहुत ही गर्व से मानती हूँ कि मुझे ये प्रदान हुआ है और ब्रजवासियों के बीच में रहकर वापस सेवा करने का अवसर मिल रहा है। इसके लिए मैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी और हमारे राष्ट्र अध्यक्ष नड्डा जी और हमारे योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और तीसरी बार मुझे
आपके साथ रहने का अवसर मिला है। अभी अभी मैं नामांकन करकर ही यहाँ पर आई थी। मुझे बहुत गर्व साथ जुड़ना, मेरा बहुत ही गर्व का महसूस करती हूँ। इस सफलता के पीछे कई पीढ़ी, चार पीढ़ियां थक गई हैं। उनका तप और परिश्रम की वजह से उसका फल आज हम सब कार्यकर्ता उसको महसूस कर रहे हैं। उन सब महान आत्माओं को मैं नमन करती हूँ। और अभी भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस भी है। 2024 के लिए हमारे प्रधानमंत्री ने हमें 400 का लक्ष्य दिया है। ये लक्ष्य जरूर पूरा होगा। कारण है हमारी नीति, नैति और नेतृत्व। बीजेपी विचारधारा वाला पार्टी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और गृह मंत्री अमित शाह जी के रणनीति के तहत 2019 में धारा 370 का पूरा खत्म किया और उसे पूरा भी किया है। और अयोध्या में राम मंदिर बनाने का प्रतिज्ञा ली थी हमारे प्रधानमंत्री ने और उसे पूरा करके भी दिखाया है। हमारे रामलला का प्राण प्रतिष्ठा भी हो चुकी है और आप देख सकते हैं देश विदेश से लाखों करोड़ों लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं दर्शन के लिए। तो कितनी बड़ी बात है जो हमारे प्रधानमंत्री ने रण लिया और करके दिखाया। ऐसे बहुत सारी चीजें उन्होंने किया है योगी। मुझे बहुत ही गर्व है कि पिछले 2024 में जब मैं यहाँ की सांसद बनी थी उसके बाद 10 साल तक मुझे हमारे प्रधानमंत्री का मार्गदर्शन मिला और हमारे मुख्यमंत्री योगी जी का नेतृत्व में मैं यहाँ मथुरा का बहुत सारे विकास करने का मिला। ये इसलिए कि जब मैं बहुत सारे प्रपोजल्स लेकर मैं योगी जी के पास गई तो उनको भी आश्चर्य हुआ कि मैं इतना इंटरेस्ट ले रही हूँ, क्योंकि मुझे मथुरा वृंदावन का एक स्वरूप दिखाना मैं चाह रही थी। उसके हिसाब से मैंने बहुत सारी चीज बताई तो तुरंत उन्होंने ब्रज तीर्थ विकास परिषद को जोड़ा और उन्होंने कहा कि इसके जरिए आपका जो जो आपके मन में है तो मथुरा के लिए विकास के लिए वो सब आप करिए करते। उसके तहत हमने बहुत सारे काम किया है, जैसे रसकान समाधि, जुबली पार्क, वृंदावन पीएफसी, सुंदर और चिंताहरण महादेव, गोकुल घाट, देवरा घाट, ब्रह्म घाट, ऐसे बहुत सारी जगहों को सौंदर्यकरण किया है और ये सब इसी वजह से हुआ। और भी बहुत ही काम किया है हमने। विकसित मथुरा, विकसित उत्तर प्रदेश, विकसित भारत और मथुरा के लिए अगले 5 साल के लिए मैंने जो सोचा है, जो मैं कार्य करना चाहती हूँ, सब लोग मेरे से पूछते हैं आगे आप 5 साल क्या करने वाले हैं, वो पूरा उसके लिए पूरा तैयार है मेरे पास। जैसे कि ब्रज चौरासी कोस परिक्रमा का निर्माण जो बहुत जल्दी से शुरू हो जाएगा।